Subscribe to M.K.Jain classes and press the bell icon for latest updates. स्टूडेंट्स, आज हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं। आपने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के प्राइमरी वीडियो को देखा होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम अराउंड दिस डबल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। और इस कारण से एल्कीन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर होता है लेकिन वो रोटेट नहीं होते हैं। इस कारण से अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं और उनको हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने अपने प्राइमरी वीडियो में बताया है कि ये दो तरह से बनते हैं, सिस मीन्स सेम ग्रुप सेम साइड एंड ट्रांस मीन्स सेम ग्रुप ऑन डायगोनल। आज हम उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं अपने इस वीडियो में। देखिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के चारों तरफ फ्री रोटेशन पॉसिबल अलाउड नहीं है, इसलिए लेफ्ट राइट में अगर कोई पोजिशनिंग में चेंज होती है तो फिर वो नया स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट को देखिए, ये डबल बॉन्ड है, इसके इस तरफ आप देखिए ए ए सेम ग्रुप सेम साइड, बी बी सेम ग्रुप सेम साइड। तो ये जो एग्जांपल है इसको हम सिस बोलेंगे और सिस को हम जेड से भी बताते हैं, इसके लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सी डबल बॉन्ड सी पे जो ये ग्रुप लग रहे हैं ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर ये ग्रुप अलग अलग नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए ए ए, भले ही एक तरफ आप क्या देख रहे हैं डिसिमिलर है, डिफरेंट है, लेकिन एक तरफ, इट मींस ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोज नहीं कर सकता है। तो डबल बॉन्ड क्वालिफिकेशन नहीं है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को बताएगा। और दूसरी चीज़ जो इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इधर ए है लेकिन इधर बी भी एक जैसे हो गया, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप पहले एग्जांपल, इधर ए बी ए उधर भी अलग अलग ग्रुप हैं तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, डबल बॉन्ड है, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, लेकिन सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसको सिस बोला है विच इज रिप्रेजेंट बाय जेड, और सेम ग्रुप अगर डायगोनल पर है तो हमने इसको ट्रांस बोला है, इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन ई है। तो आई थिंक सिस और ट्रांस का पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी जो पहला एग्जाम्पल देखा था हमने, जिसके अंदर हमने आपको बताया था दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, अब ऐसा भी अगर कोई एग्जांपल देता है जिसमें आपके चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, आप देख रहे हैं सी एल बी आर, इधर ओ एच है, इधर सी एस टू सी, इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम सिस और ट्रांस कैसे देंगे, तो इसमें सिस और ट्रांस देने के लिए आपको प्रायोरिटी रूल लगाना पड़ेगा। प्रायोरिटी रूल का मतलब है कि कौन सा सुपीरियर ग्रुप है और कौन सा इंफीरियर ग्रुप है, और इसके लिए एटॉमिक नंबर को देखते हैं। चलिए एक कार्बन को पकड़ते हैं। ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब बताना है कि इसमें से विच वन इज सिस एंड विच वन इज ट्रांस, क्लियर। तो सी डबल बॉन्ड सी, ओके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और चारों अलग है इसलिए भी होगा। तो ये दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई कि दो चारों ग्रुप अलग अलग है। अब एक में देखिए सी एल एम बी आर, तो यू नो वेरी वेल ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और क्लोरीन का होता है 17, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो सुपीरियर ग्रुप है, इसको हमने ए दिया और इसको बी दिया है। अब इस तरफ बहुत ज़्यादा एटम है, तो देखिए पहला ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, पहला कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो फिर जब पहले पे ही कंपैरिजन खत्म हो गया तो ये ए सुपीरियर ग्रुप है या इन्फीरियर, पूरा काउंट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट सिमिलर है तो सेकंड को देखो, सेकंड सिमिलर है तो थर्ड को देखो। तो आप क्या देख रहे हैं, ए एन ए डायगोनल पे है, इसको हम ट्रांस बोलेंगे, ई से बताएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी चारों अलग अलग है। पहले तो डबल बॉन्ड, फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस, चारों अलग अलग है। सेकंड क्वालिफिकेशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस। अब यहां सी ए और यहां भी सी ए, लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी टेबल ये कहती है कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहां पे थ्री कार्बन है, एक तरह से जस्ट इमेजिन इन योर माइंड।
तो यहां कार्बन का नंबर ज्यादा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स थ्री काउंट कर लीजिए, डबल बॉन्ड मीन्स टू काउंट कर लीजिए, यहां थ्री है या वन है, तो दिस इज ए दिस इज बी, बट यहां पहला कार्बन है और यहां क्लोरीन है, तो क्लोरीन 17 होता है, तो ए एंड दिस इज बी, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, ए ए डायगोनल मीन्स ट्रांस। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लें पहले कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होती है कि जब सिस ट्रांस को आप बता लेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, जैसे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन सिस, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस। ये एटलीस्ट इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।